नमस्कार, मैं प्रिया धारा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने कोविड 19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए टीका विकसित कर लिया है, जिसे 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में अहम बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा के अनुसार, जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली और विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र उनकी पूरी जन्मतिथि लिखी होगी। सीबीएसई एग्जाम फीस वेव ऑफ। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को पत्र लिखा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा की फीस माफ कर दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड 19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ी। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। 3 कृषि कानून के खिलाफ 27 सितंबर को किसान द्वारा बुलाया गया भारत बंद को देशभर के राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार और वामपंथी दल समेत कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। भारत में विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई है। सभी इसके लिए कोरोना की डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बता रहे थे, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। इस बीच अमेरिका में खतरनाक वेरिएंट R1 में पाए जाने से दुनिया में फिर से खलबली मच गई है। श्रम मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर अब तक करीब 1.66 करोड़ श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को मुंबई में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड वितरित किया। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 28,326 नए मामले सामने आए हैं, और जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,36,52,745 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 260 और मरीजों की जान जाने से कोविड 19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,46,918 पर पहुंच गई है। संस्कृति मंत्रालय ने 2017-18 से 2019-20 तक 469 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन को 2017 में मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। IGNCA का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 5,000 गांव में मानचित्रण पूरा करना है। पंजाब के बाद अब राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दो बार मिलने के बाद से राज्य दिल्ली में लॉबिंग व्हाट्सएप कॉलिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार पायलट ने राहुल के साथ प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की, जो गहलोत खेमे के कई नेताओं की भौहें चढ़ा रही है। कनाडा में बसे हजारों भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ट्रांसपोर्ट कनाडा की घोषणा के अनुसार कनाडा ने करीब 5 महीने बाद भारत से सीधी उड़ान पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। कनाडा ने अप्रैल 2021 में उड़ानों पर यह प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका दौरे से वापस आने के दौरान पीएम मोदी अमेरिका से देश की अमूल्य धरोहर को भी वापस ला रहे हैं। इस बार अमेरिका से लौटते समय उनके साथ 157 कलाकृतियां, पुरावशेषों की विरासत भी साथ होगी। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से इन कलाकृतियों को बतौर तोहफा प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल के पिता का रविवार को निधन हो गया। पार्थिव ने ट्वीट कर फैंस से इस बात की जानकारी साझा की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि मेरे पिता अजय भाई विपिन चंद्र पटेल का 26 सितंबर को निधन हो गया है। पार्थिव पटेल ने अपने प्रशंसकों से पिता की एक फोटो शेयर करते हुए फैंस से अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले BKU के राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के जरिए BJP की घेराबंदी तेज कर दी है। शनिवार को योगी सरकार को चेताते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर गन्ने के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई तो केंद्र के खिलाफ जारी आंदोलन के साथ साथ राज्य में योगी सरकार के खिलाफ भी मोर्चाबंदी शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ओडिशा के गोपालपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। खैबर पख्तूनवा सरकार द्वारा संपत्तियों पर कब्जा करने के बाद पेशावर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर की पुश्तैनी घरों की बहाली और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। द न्यूज की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार की योजना के अनुसार दोनों बॉलीवुड सितारों के घरों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा।
गांधी जयंती नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से खादी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है ताकि बापू की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा सके। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 81वें एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता आंदोलन में गांधी के योगदान को याद किया। चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीमार लालू प्रसाद यादव की सेहत में अब पहले से ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव अब धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने लगे हैं। देर रात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की है। झारखंड सीएम ने उनका कुशल क्षेम जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच गए। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के बाद आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने के नारे भी लगे, वहीं पीएम ने सभी लोगों का आभार जताया। इस दौरान जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने जनता को भी संबोधित किया। पीडब्ल्यूडी विभाग में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। गोवा सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 368 ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार गोवा पीडब्ल्यूडी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट pwd.goa.gov.in पर के नोटिफिकेशन सेक्शन में जाए और वहाँ आवेदन भर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज, 500 एम्स जैसे संस्थान और 200 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की जरूरत है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। भारत में तालिबानी भाजपा नहीं चल सकती। भाजपा को हराने के लिए टीएमसी ही काफी है। खेला भवानीपुर से शुरू होगा और पूरे देश में हमारी जीत के बाद खत्म होगा। सोनू सूद पर फाउंडेशन को मिले फंड के जरिए 20 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा है। सोनू सूद ने कहा कि मैं लोगों की मेहनत की कमाई को बेकार नहीं जाने दूंगा। सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनके काम से जांच करने वाले टैक्स अधिकारी खुश थे। भगवान श्री राम पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि मांझी ने राजनीतिक हित के लिए न सिर्फ राम भक्तों का बल्कि देश के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, हिंदू समाज और महर्षि वाल्मीकि का भी अपमान किया है। जातीय जनगणना पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा 33 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखने पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को पटना में कहा कि तेजस्वी यादव अभी बबुआ हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर जो केंद्र का निर्णय है उसे हम मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की कोऑपरेटिव समितियों के सदस्यों और किसानों को संबोधित किया। गृह मंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण के लिए इफको की तरफ से जिला में 44 जगहों पर एलईडी और प्रोजेक्टर लगाए गए थे। जिले में 7,000 से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नियमित कार्यक्रम मन की बात में बिहार के महापर्व छठ का जिक्र किया। उन्होंने इसे नदियों की स्वच्छता के लिए बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि कुछ दिनों में छठ के लिए नदियों की सफाई शुरू हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातिगत जनगणना कराना मुश्किल है। उन्होंने 1931 के आंकड़े को भी पूरी तरह सच नहीं बताया और कहा कि उसे जातिगत जनगणना कहना गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ 24 जातियों की ही जनगणना करवाई थी। कोरोना संक्रमण से हालात सामान्य होने के बाद रेलवे अपनी एक बड़ी सुविधा करीब 1.5 वर्ष बाद शुरू करने लगा है, जिसके तहत दानापुर मंडल के पटना जंक्शन पर यात्रियों को रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा पहले की तरह मिलने लगेगी। लता मंगेशकर अपना जन्मदिन 28 सितंबर को मनाने वाली है। इस बार वो अपना 52वां जन्मदिन मनाएंगी। लता मंगेशकर के इस जन्मदिन पर मशहूर फिल्मकार विशाल भारद्वाज और दिग्गज गीतकार गुलजार ने उन्हें बेहद खास तोहफा देने का फैसला किया है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार विशाल भारद्वाज और गुलजार लता मंगेशकर के 52वें जन्मदिन पर उनका कभी न रिलीज हो पाने वाला गाना रिलीज करने वाले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश्वर दयाल, महेश दास, नीतू कुमारी, धनंजय कुमार, आनंद राज, राजकुमार राजा, मंतोष कुमार, मोहम्मद नूर हसन, रंजीत कुमार, भोला चौधरी, गजेंद्र सिंह, विकास कुमार, अजीत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन अभियान से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।